हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम विंका प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसको सदाबहार भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा फ्लावर्स देता रहता है, इसीलिए ये सदाबहार कहलाता है। इसमें एक हाइब्रिड वैरायटी आती है, एक देसी वैरायटी आती है, तो हम देसी वैरायटी आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी अभी नई है। लॉकडाउन की वजह से बाहर नर्सरी जाना नहीं हुआ, तो अभी आपसे ये देसी वैरायटी ही शेयर कर रहे हैं। लेकिन दोनों की, हाइब्रिड और देसी, केयर टिप्स सेम ही होती हैं, यानी कि देखभाल एक ही तरह से की जाती है। तो ये जो प्लांट है, ये किसी भी वेस्ट में आप ग्रो कर सकते हैं। वेस्ट पॉली बैग है या वेस्ट बॉटल है, आप इजीली उसमें ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। और आप देखेंगे ही, स्पेशल पॉट हमने इसको नहीं दिया है, पॉली बैग्स में लगाया हुआ है और एक मटकी है इसमें लगाया हुआ है। तो कभी हम इसको स्पेशल पॉट नहीं देते हैं, क्योंकि ये कैसे भी पॉट में इजीली ग्रोथ कर लेता है। अब जैसे ये मटकी है एक पूजा की, तो इसमें हमने नीचे की तरफ ड्रेनेज होल किया हुआ है, जिससे इसमें जो वाटर है वो होल्ड नहीं होगा, पानी इसमें भरेगा नहीं, उसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। देखिए, ये एक छोटी सी पॉली बैग है जो कि नमकीन का पैकेट है, इसमें कितनी कम सॉइल है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी वजह ये है कि नीचे हमने इसमें ड्रेनेज होल किया है, कट लगा दिए हैं, उससे जब बारिश भी होती है तो इसमें पानी भरता नहीं है और एक्स्ट्रा वाटर आराम से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि उनका जो पौधा है बारिश के बाद मुरझाने लगा है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी होता है कभी कभी, तो ड्रेनेज सिस्टम चेक कीजिए। अब जैसे ये प्लांट है, इस पे एक पे डार्क फ्लावर्स आ रहे हैं, एक पे लाइट फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ऐसा ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हो जाता है, तो आप इसमें परेशान ना हो। हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि उनका जो कलर, जब उन्होंने प्लांट लिया था तो फ्लावर का कलर डार्क पिंक था, लेकिन जब अब आकर उसका कलर व्हाइटनेस आ गई है उसमें थोड़ा, तो ऐसा गर्मियों की वजह से हो जा सकता है। तो रेनी सीजन तक आप वेट कीजिए, आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। ये एक और छोटा सा पॉली बैग है, जिसमें भी देखिए नीचे हमने कट लगा दिया है, तो जो ओवर इसमें वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। और कितना छोटा प्लांट है, कितनी कम सॉइल है, लेकिन आप फ्लावर्स देखेंगे, पत्तियों का कलर देखेंगे और इसमें से न्यू ब्रांचेस भी आ रही हैं, तो जितनी ब्रांचेस उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग और बहुत अच्छे फूल मिल रहे हैं। अभी शाम का समय है तो इतने फूल नहीं है, सुबह के समय में इस पर ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं। तो इस तरह से इसकी फलियां बनती हैं, जो कि सीड पॉड होता है, और इसमें से छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं, उनको फिर से आप बिखेर दीजिए, फिर से उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, किसी भी मौसम में ये ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए कितनी छोटा सा एक पॉली बैग है, इसमें हमने कुछ, ये अमेरिलिस के बेबी बल्ब थे तो ये हमने लगाए हुए थे, लेकिन साथ में अपने आप ये एक पौधा ग्रो हो गया। आप देखिए साइड से ग्रो हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप ही ग्रो हुआ होगा। तो ये अपने आप ग्रो हो गया था, तो इसको हमने लगा रहने दिया, और देखिए कितना छोटा प्लांट है और वाइट फ्लावर्स इस पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। विंका प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और अगर प्लांट पुराना हो गया है, एक साल पुराना है, तो वो आपको कम फूल देता है, तो ऐसा कीजिए, अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पॉट में लगाया हुआ है, एक साल पुराना हो चुका है, तो उनकी कटिंग्स आप ग्रो कर सकते हैं, या सीड से नए पौधे जो ग्रो करते हैं उसमें अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। जो मदर प्लांट होता है वो कम फ्लावर्स देता है थोड़े। तो इस तरह से ये प्लांट्स हैं। और एक हमारे व्यूअर का कमेंट ये आया था कि प्लांट लैगी हो गए हैं, तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है, आप प्रून कर सकते हैं उसको। और देखिए ये बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, इनको भी अगर हम अलग अलग लगा देंगे तो ये इजीली ग्रोथ कर लेंगे। इसमें एक रेन लिली का भी अपने आप बल्ब ग्रो हो गया है, क्योंकि सीड्स गिर जाते हैं तो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। जैसे ये लैगी हो गया है, लैगी होने से मतलब ये है कि ये, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर प्लांट अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि खाली खाली से रहते हैं बीच में। तो आप इसको यहां से, इस जगह से इसको प्रून कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये काम आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे कि आज हो गया है 1 जून, तो अभी आप कर सकते हैं, तो इसमें न्यू ग्रोथ आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आने वाला मौसम जो है वो बारिश का है, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो इस तरह से ये कुछ प्लांट्स हैं। अब वैसे तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कलियां आ रही हैं, हमें बिल्कुल अभी प्रून नहीं करना था अपना प्लांट, लेकिन हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि इस पर एक वीडियो शेयर कीजिए, इसीलिए हम ये एक प्लांट को लेकर आपसे शेयर कर रहे हैं कि प्रून किस तरह से करना है। हल्का सा इसको पिंच कर दीजिए, आप ऊपर से कर सकते हैं या इस तरह से नीचे से कर सकते हैं, तो जो साइड में ये न्यू ग्रोथ है ये अच्छे से बढ़कर आएगी, और आपको प्लांट का साइज़ भी अच्छा, शेप भी अच्छी मिलेगी, और इस पर फ्लावर्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। टिप्स के लिए, फर्टिलाइजर की इसमें कोई खास जरूरत नहीं होती है, एक दो बार गुड़ाई करके गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, सनलाइट, फुल डे सनलाइट में आप रख सकते हैं, या कम से कम आप 3 घंटे की धूप प्लांट को जरूर दीजिए, आपको बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे। और नमी, हल्की नमी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी में भी वैसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप नमी का ध्यान रखिए, हल्की ही वाटरिंग कीजिए।
तो बारिश हुई है तो हल्की सी नमी पेड़ों में पहले से ही है, कटिंग को इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, लीव्स हटाकर उसी पॉट में आप लगा दीजिए, उसमें ग्रोथ हो जाएगी। और ये एक पुराना पॉट है जो कि टूटा हुआ पॉट हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, इसमें ये काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से ये पौधा लगा हुआ है और इसमें देखिए अभी भी फ्लावर्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक ये अंगूर की बेल की कटिंग हमने लगा दी थी तो ये भी चल रही है आसानी से। तो अगर आप अंगूर की बेल भी ग्रो करना चाहते हैं, आने वाला मौसम बारिश का है, ज़रूर ग्रो कीजिएगा। क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।